अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अहमद फोटोग्राफी में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, यह है सिंपेक्स की लाइट, इसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। इसका जो नाम है वो है LED U600+। ठीक है, तो ये इसका जो नाम रखा गया बेसिकली LED U600+ क्यों रखा गया इसका नाम, तो इसकी जो मेन रीज़न है, इसमें जो LEDs लगी हुई, छोटी छोटी जो LEDs लगी हुई, वो 600+ इसमें LEDs लगी हुई हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे मैंने पहले इसको खोल के चेक कर लिया था, बट अगेन इसकी मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर कर देता हूँ। आपको इसकी सारी जो स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये निकलाई हमारी LED, ठीक है, ये है हमारी LED, और साथ में जो हमें कंपनी इसके साथ एसेसरी प्रोवाइड कर रही है, ये है हमारे पास छोटा सा स्टैंड। ठीक है, ये मींस ये इसका स्टैंड है और इसके साथ एक अलग स्टैंड मिलता है, मतलब ये एक्सटेंशन समझ लें। यहाँ पे हम इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है, जो है हम इसके नीचे माउंट करेंगे, जिसके बाद हम इसको स्टैंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए इसका जो नाम रखने की मेन रीज़न है वो देखें, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर जो छोटी छोटी लगी हुई ना LEDs, छोटी छोटी जिसमें LEDs लगी हुई, ठीक है, ये 600+ LEDs इसमें लगी हुई हैं। अब बात की जाए इसके बैक पे, देखें ये इसके ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, और ये इसके टेम्परेचर्स का बटन है, ये टेम्परेचर का बटन है, ये भी टेम्परेचर का बटन है, आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको हम इसका अडाप्टर लगा सकते हैं। इस LED को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास बनाती है, इसके साथ आपको अडाप्टर मिल जाता है। इससे पहले जो भी LEDs आ रही थी उनके साथ आपको अडाप्टर नहीं मिला था, आप उनको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है, आप इसमें बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें अडाप्टर भी लगा सकते हैं। अभी कंपनी ने इसके साथ अडाप्टर भी प्रोवाइड किया हुआ है, और ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप इसकी बैटरी माउंट कर सकते हैं, बैटरी लगा के आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके साथ दिखा देता हूँ आपको अडाप्टर, ये देखें कंपनी ने सामने अडाप्टर भी दिया हुआ है, ये इसका अडाप्टर आ जाता है। अभी मैं आपको इसको लगा के चेक करता हूँ, प्लग इन करके चेक करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसको प्लग इन कर लिया, ठीक है, ये देखिए मैंने लगा दिया इसका अडाप्टर। अब इसका मैं बटन देखें ऑन करता हूँ, ठीक है, देखें ये LED ऑन हो गई है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमें दो लाइट्स मिलती हैं, इसमें हमें मिलती हैं दो लाइट्स, एक मिलती है वाइट, एक मिलती है हमें इसमें येलो लाइट, ठीक है। अब टेम्परेचर के हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये लाइट है, अभी देखूँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये येलो लाइट है इसकी, ठीक है, आप इसको तेज़ कम भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका ना करेंगे कम और ये ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिंपल वाइट लाइट चाहिए, ठीक है, आप दूसरा बटन दबाएंगे तो उसे वाइट लाइट निकलेगी, आप तेज़ या कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा भी इसकी लाइट चाहिए तो वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं, देखें अगर आप दोनों बटन्स को फुल कर देंगे तो वाइट लाइट और येलो लाइट का मिक्सचर निकलेगा और इसकी फुल पावर थ्रू हो जाएगी। देखें ये देखें दोनों लाइट्स का मिक्सचर निकल रहा है, वाइट प्लस येलो, और इसकी इतनी पावर है। मैं आपको अभी इसकी पावर थ्रू करके दिखाता हूँ। ये देखें अभी सिर्फ ये रूम की नॉर्मल लाइट है, अभी मैं इसको थ्रो करता हूँ उसकी पावर को, ये देखें दीवार कितनी लाइट हो गई है, अभी मैं इसकी और पावर को थ्रो करता हूँ, तो आपको इसकी लाइट से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी जो थ्रू पावर है वो कितनी ही ज़्यादा थ्रू पावर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बस।